तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग, मैं काफ़ी दिन से मतलब सॉरी गाइस, मैं पहले मेरा जो बोलता हूँ तो बोल देता हूँ। आज मैं जो गेम खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम है हाउस फ्री फायर। तो इस गेम में क्या मतलब क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ, मैं मतलब मजदूर है और हमें लोगों की घर जा जाकर साफ सफाई करके उससे पैसा कमाना है हमारा मतलब, ठीक है। और हम अभी जो घर में मतलब अभी जो घर में हम रह चुके मतलब रह रहे हैं उस मतलब उस घर का ना कुछ बुरी हालत है, मतलब कुछ भी सही नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि और मैं आप लोगों को बताया है कि हम एक बड़ा सा घर लेने वाले हैं। तो बड़ा मैंने सोचा कि बड़ा सा घर लेने के लिए बहुत पैसा लगेगा और मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा है नहीं, मगर कुछ सारे पैसा है। तुम लोग पास में अकाउंट बैंक बैलेंस देख सकते हो, 93,000 डॉलर्स है, ठीक है। मतलब ठीक है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो छोटा सा हमारा घर है, ये छोटा सा घर को ही हम मतलब रहने के लिए ठीक ठाक बना देता हूँ। उसके बाद हम कोई दूसरे वाला मतलब कोई दूसरे वाला जो घर होता है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो घर है इस घर को ही रेनोवेट करने वाला है। तो आ जाओ, देखते हैं क्या क्या मतलब हम लोग करेंगे। और आज का कोई काम वगैरह नहीं है, मतलब हम कोई भी काम करने के लिए नहीं जाएंगे। तो एकदम सिंपल सा यहाँ पे बेड रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे टेबल वगैरह कुछ भी होगा। और ये है हमारा बाथरूम जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो पहले तो मेरे को यहाँ पे वॉल को लगाना पड़ेगा। आप लोग नहीं, ये नहीं, ये बड़ा वाला वॉल, चलो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से, नहीं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, चलो ये लगा दिया, ये भी। और यहाँ पे भी, क्योंकि हम ये जो घर है ना, ये घर ना कुछ अच्छे नहीं है, तो इसलिए हम ये घर को रेनोवेट कर रहे हैं, ठीक है। ये है सबसे बड़ा सवाल, मतलब सबसे बड़ा मकसद हमारा। तो आ जाओ, देखते हैं कि इस घर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। और हम इसके बाद जो घर मतलब घर हम ये करेंगे मतलब लेंगे, वो काफी बड़ा वाला घर होगा। तो समझ सकते हो कि क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो मैं ये नहीं, ये नहीं, ये चलो। तो मैं यहाँ पे एक डोर लगाऊंगा, तो डोर के लिए जाएंगे ये किचन से बाथरूम, ये फ्लोर वॉल्स, ये देखो डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सिंपल सा डोर ले लेता हूँ। ये भी सब काफी महंगा महंगा डोर है, काफी महंगा महंगा डोर है ये। आई थिंक ये वाला ना, ये ब्लैक कलर का लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बाहर की साइड, उसके बाद यहाँ पे ये लगा देता हूँ इसके अंदर, चलो ये आई थिंक सही लगेगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, चलो ये लगा दिया एकदम यहाँ पे, ये आई थिंक सही लग रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो इसको लगा दिया हो यहाँ पे, एकदम मस्त दिख रहा है ये वाला डोर। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये जो बाथरूम है, बाथरूम के अंदर जो डोर हम लोग लगाएंगे उसका मैं देखता हूँ वो कौन सी वाली डोर मतलब लगाया जा सकता है। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं ये एकदम सिंपल सा यही वाला डोर चूज चूज कर लेता हूँ, क्योंकि इस घर में घर के अंदर मैंने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वही है सबसे बड़ी बात सवाल, ठीक है। तो अभी अभी मैं यहाँ पे वॉल भी लगा दूंगा, ये रहा वॉल्स यहाँ पे एक, उसके बाद यहाँ पे ये नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत गलत, ये रहा दो, ठीक है। अभी ये छोटा वाला वॉल लेके यहाँ पे ऊपर की साइड
नहीं आई थिंक गलत लग रहा है, ये लग जाना ठीक। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। एक यहाँ पे एक, उसके बाद यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, उसके बाद यहाँ पे चार। चलो ये चारों लगा दिया, ये वॉल ठीक है, वॉल्स लगा मैंने लगा दिया है। और इसको छोड़ो, अभी यहाँ पे बाथरूम वगैरह, तो यहाँ पे कुछ शावर वगैरह लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं बाथरूम एक्सरसाइज की तरफ चला जाता हूँ, और यहाँ पे बाथरूम एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज के अंदर बाथरूम, हाँ ये रहा बाथरूम के लिए। तो बाथरूम के लिए काफी सारा चीजें वगैरह यहाँ पे है, तो मैं इसको बाद में देखेंगे। और ये है टूथब्रश, हाँ काफी महंगा महंगा जींस, मतलब काफी महंगा महंगा ये सब है। ये सब मैंने नहीं, मतलब मैं नहीं यूज करूंगा, एकदम सिंपल सा यूज करेंगे। और बात करने के लिए कुछ है नहीं क्या? रुको तो 1 मिनट, बात बात के लिए कुछ भी नहीं है भाई, ये क्या बात हुई? ये तो बाथरूम, हाँ ये देखो अभी ठीक है। चलो अभी एक काम करते, ये 120 डॉलर का, और ये काफी महंगा, ये भी काफी महंगा है। तो मैं एक काम करते, ये सिंपल सा ही ले लेता हूँ, ये सिंपल सा है आई थिंक, इसको ये वाली कलर से, उसके बाद ये वाली कलर। चलो आई थिंक यही सही है, यहाँ पे मस्त तरीके से, यहाँ पे नहीं, ये घूमेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये लग जाना। ये लग क्यों नहीं रहा भाई, ये कहाँ पे दिक्कत आ रही है? देख रुको ते, हटो दरवाजा खोलो, मेरे को दिक्कत हो रही है। यहाँ पे नहीं लगेगा तो कहाँ पे लगेगा? आई थिंक यहाँ पे लगेगा क्या? यहाँ पे भी नहीं लगेगा भाई, ये क्या बात हो गई? रुको तो 1 मिनट, अरे भाई लग जाना, ये दिक्कत कहाँ कर रही है? कोई तो दिक्कत तो है, कुछ तो दिक्कत है आई थिंक। मेरे को ना देखने देते एक बार, ये भी नहीं लग रहा और ये भी नहीं लग रहा, ये क्या हो गया? आई थिंक ना मेरे को ना कुछ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कुछ तो है गड़बड़, तो कुछ तो है यहाँ पे। तो छोड़ो इसको छोड़ो, मैं पहले ये वाला, नहीं, ये वाला काफी महंगा है, इसको हम नहीं लगाएंगे। और ये वाला सस्ता सा है, ये वाला लगाएंगे, ये कुछ इस कलर का ठीक है। चलो इसको ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे घुमा के इसको कुछ इस साइड से लगा देता हूँ। अरे भाई साहब ये लग क्यों नहीं रहा भाई? आई थिंक ना यहाँ पे नल वगैरह जो होता है ना, पाइप पाइप नहीं है। तो मेरे को ना पहले इंस्टॉलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद। हाँ ये देखो मैंने से ही बोला, ये देखो टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम, मैं पहले इसको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो होगा ये इसको लगाना, मतलब हम इसको लगाएंगे ठीक है। ये रहा, ये लगा दिया हो, उसके बाद हम जो भी चीज मतलब खरीदेंगे उसको लगाना, उसको लगाएंगे। ये देखो बाथटब प्लम्बिंग सिस्टम, और ये है सिंक प्लम्बिंग सिस्टम, हाँ ये है टावल रेडिएटर, है ये एक तो टावल रेडिएटर तो चाहिए यहाँ पे, तो ये टावल रेडिएटर भी यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद ये काफी महंगा, ये टावल रेडिएटर काफी महंगा है भाई, ये नहीं चाहिए। ये क्या है? रेडिएटर प्लम्बिंग सिस्टम, ये नहीं चाहिए। ये क्या एसी इंस्टॉलेशन, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। और ये क्या है? शावर, हाँ ये वाला चाहिए, शावर प्लम्बिंग सिस्टम। वो भाई साहब ये शावर वाली ना काफी महंगा है भाई, कौन खरीदेगा इसको?
देखो भाई साहब, हाँ अभी ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ E2। हाँ इसको किया ओपन, उसके बाद इसको भी किया ओपन, ये इसको किया ओपन, ये लगा दिया। ठीक है, तो अभी मेरे को फटाफट से बाथटब वगैरह मतलब उसको खरीदना पड़ेगा। ये वाला चीज पहले खरीद ले तो ये सस्ता सा है ओनली। ये देखो अभी लगेगा, ये अभी ठीक है, चलो इसको लगा दे। उसके बाद इसको भी, ये इसको भी लगा दिया, ये लग गया। उसके बाद ये भी, उसके बाद ये भी, ये एकदम काफी हो गया। चलो ये कंप्लीट हो गया है, ये जो बाथटब वाला सिस्टम है वो काफी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये छोटा सा जो टॉयलेट का पेन होता है, टॉयलेट का पेन, ये $71, ये यही सही है। ये इसको ही लगा लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे E2 असेंबल, चलो ये लगा दिया। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं यहाँ पे कुछ देखा था, तुम लोग देखे हो? ओ भाई साहब, हाँ ये कहाँ पे लग चुका है भाई? रुको रुको रुको, ये भाई साहब, रुको रुको, गलत लग गया है। इसको इसको हटाओ। ओ भाई साहब, है इसको हटाओ, क्या बोलू मैं, कहाँ लग गया था भाई? अरे भाई साहब, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाता हो, ये यहाँ पे एकदम, ये कुछ इस तरीके से ये लग जाना, ये लग गया। चलो उसके बाद मैं यहाँ पे एक बाथरूम का जो ये होता है, इसको खरीद के कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो ये लगा दिया, E2 असेंबल, ये लगा दिया। चलो E2 यूज, E2 क्लोज, ठीक है अभी अभी सही है। अभी यहाँ पे एक टावा रेडिएटर चाहिए। मैं क्या प्रोनाउंस क्या कर रहा हूँ मेरे को खुद पता नहीं चल रहा, तो मेरे को अभी चाहिए रेडिएटर, टावल रेडिएटर, TO, टावल, TOWEL। हाँ ये देखो, टावल रेडिएटर प्लम्बिंग सिस्टम, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ओनली टावल रेडिएटर ही चाहिए मेरे को। हाँ TOWEL टावल रेडिएटर ही चाहिए ओनली। मोमेंटेबल, हाँ ये माउंटेबल टावल रेडिएटर, जो कि यहाँ पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे E2 असेंबल, इसको किया टाइट, उसके बाद इसको किया, उसके बाद इसको, उसके बाद ये लगा दिया, ये इसको घुमाया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको भी घुमाया और ये लगाया यहाँ पे, उसके बाद ये लगाया यहाँ पे, ये घुमा दिया। चलो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे टाइल्स लगाऊंगा, तो ये दरवाजा ना काफी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे अभी टाइल्स लगाएंगे तो देखते हैं। कौन सी टाइल्स लगाना जाए वही है मतलब सबसे बड़ा सवाल। तो आ जाओ देखते हैं बाथरूम के लिए कौन सी वाली टाइल्स लगाना सही होता है। तो यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ कि फ्लोर टाइल्स, FL फ्लोर टाइल्स, नहीं, फोर टाइल्स लिख के सर्च करता हूँ, टाइल्स TILES, टाइल्स, सिरामिक टाइल्स हैं, ठीक है टाइल्स ही सही है। हाँ नहीं, ये तो नहीं चाहिए ना, रुको तो 1 मिनट। वॉल्स, एक्सेसरीज, डोर्स, लैंप्स, आधार में क्या है, ये क्या है भाई, वॉल्स, हाँ, यही तो चाहिए। यहाँ पे कुछ वॉल्स का फोटो दे रखा है, तो हाँ ये देखो अभी मिला है 3D ग्रे टाइल्स, ये काफी महंगा है। ये तो पेंट है,
हाँ ये वाला चाहिए था मेरे को, ये देखो मैं इसका ही खरीद लूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसको यहाँ पे रखो, उसके बाद इसको लो, ये लगा दिया यहाँ पे। चलो कुछ इस तरीके से ये, चलो ये काफी सही लग रहा है, देखो एक बार। और तुम लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है, ठीक है? चलो कमेंट करो। हाँ मैं सबका कमेंट रीड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग कमेंट कर सकते हो, फुल सपोर्टिंग है। स्पैम कमेंट या गुड कमेंट जो भी हो तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम लोग करो, बस कमेंट करो, कमेंट करके भर दो। पूरा कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही है। जो भी लोग नए हो सब्सक्राइब करो, जो भी लोग नए हो सब्सक्राइब करो। उसके यहाँ पे लगेगा क्या ई टू फुल स्टाइल्स? नहीं, ये नहीं। यहाँ पे कैसे होगा, ये इसको लगाए यहाँ पे, चलो इसको पकड़ो। उसके बाद कुछ इस तरीके से इस ऊपर में लगा दिया, ये फिर से ये वाला लो। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे, चलो लगा दिया। अभी ये लगाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे, चल हो गया, ठीक है? तो अभी मैं ये वाला टाइल्स एक और खरीदूंगा, क्योंकि अभी भी कुछ वॉल्स वगैरह, मतलब ये देखो ये वॉल्स में लगाना पड़ेगा। ये टाइल्स लगा दिया, उसके बाद इसको। और तुम लोग कमेंट करके बोलो कि ये वाला टाइल्स क्या लग रहा है, ये वाला टाइल्स बाथरूम के अंदर ना बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम लोग भी कमेंट करके बोल सकते हो कि कैसा लग रहा है, ठीक है? आज मेरा जो घर है, आज मेरा घर का पूरा डेकोरेट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है? और मतलब मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 दिखाया जाए, क्या बोलते हो? क्योंकि देखो मतलब मैं एक वीडियो के अंदर सारे के सारी दिखा सकता हूँ, कि तब वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसका भी पार्ट 2 लेके आते हैं। और पार्ट 2 के अंदर, मतलब पार्ट 1 के अंदर हम पूरा बाथरूम का मतलब फिनिशिंग दे देते हैं। उसके बाद ये रे ये इसको लगा ले। हाँ भाई, यहाँ पे तो लोचा हो गया भाई, इसके ऊपर चढ़ गया। चलो अभी आई थिंक हो जाएगा, ये देखो। ओ भाई साहब, ये तो खत्म हो गया, फिर से खरीदना पड़ेगा। ये लो, ये खरीदा। उसके बाद ये नहीं, ये लगाया ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद ऊपर चढ़ के ये लगा दिया, चलो कुछ इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूरा नया मतलब चमक धमक दूंगा ये बाथरूम को। और इस मतलब इस वीडियो का टाइटल लग देंगे कि बाथरूम, मतलब बाथरूम का मॉडिफिकेशन, कुछ इस तरीके से टाइटल रख दूंगा। और कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि ये करना सही है कि वो करना सही है, और मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और हम तो यहाँ वहाँ जाके काम तो करते ही है, मतलब काम, हमारा काम जो बिजनेस जो है, हमारा बिजनेस आई थिंक यहाँ पे लोचा हो गया भाई, यहीं पे तो लोचा हो गया आई थिंक ना, मेरे को यहीं पे लोचा तो हो गया है, कुछ तो लोचा है। हाँ मैंने यही सोचा था। लो ये लोचा हो गया भाई साहब, बहुत बड़ा लोचा हो गया। रुको तो 1 मिनट, इसको बेचने दो मेरे को। यहाँ पे लुकचानी हो, ये नहीं, चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पे लुकचानी हो गया, देख रहे हो? इसको बेचो। उसके बाद ये लो, ये टाइल्स लो। उसके बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पूरा लुकचानी हो गया, देख रहे हो? मतलब क्या बोलो, अब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब मेरा इतना ज्यादा पैसा तो बर्बाद हो रहा है, तो ऊपर से मतलब क्या बोला, अरे भाई साहब क्या ही बोलूं मैं, मतलब
यहाँ पे लगा दूंगा। चलो ये लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये, चलो ये हो गया। आई थिंक सारे के सारे टाइल्स ही लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसको भेज देता हूँ, ये चलो इसको भेज दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये फ्लोर टाइल्स जो होता है, फ्लोर टाइल्स को खरीदना पड़ेगा। प्लास्टर बकेट नहीं, नहीं प्लास्टर बकेट का क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे कलर्स है भाई साहब। वॉल टाइल्स हैं, वॉल पैनल्स, वॉल टाइल्स, वॉल पैनल्स, प्लास्टर, पेंट, ये नहीं चाहिए मेरे को, फ्लोर फ्लोर टाइल्स चाहिए। तो फ्लोर टाइल्स हमें कहाँ मिलेगा भाई? आई थिंक ये क्या है, कलर कारपेट, ये नहीं चाहिए भाई। आई थिंक नहीं, ये कारपेट है, देखने देते एक बार। लार्ज, हाँ लार्ज ही खरीदेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छे डिजाइन के है, तो मैं इसको ही खरीदू। ओ भाई साहब ये कितना बड़ा है, देख रहे हो भाई साहब? नहीं नहीं ये नहीं चलेगा हमारे घर के लिए, हम यहाँ पे एक छोटा वाला घर के अंदर रह चुका है, मतलब ये वाला घर जब मैं बड़ा करूँगा ना, तो तब वो वाला कारपेट करेंगे, लार्ज वाला कारपेट खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ो, इसको इसको कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो फ्लोर टाइल्स अभी मिला है मेरे को, फ्लोर टाइल्स। तो फ्लोर टाइल्स मैं एक काम करता हूँ, ये सिरेमिक टाइल्स हट, हाँ ये ही सही है, ये एकदम सिंपल सा ये लगा दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। चलो आई थिंक यहाँ पे बहुत सही लग रहा है, ये इसको भी लगा दिया। चलो ये एकदम सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये एकदम नॉर्मल सा घर रेडी कर देंगे, जो के लिए मैं एकदम सिंपल सा, सिंपल सा मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि सिंपल का लाइफस्टाइल हमें चाहिए, ठीक है। कोई मगजमारी नहीं, एकदम सिंपल सा लाइफस्टाइल हम जिएंगे। उसके बाद जब हम मतलब बड़ा वाला शॉप पे जाएंगे, तब हम मतलब ये लगा दिया, उसके बाद इसको ये, चलो हो गया। जब हम बड़ा वाला शॉप पे जाएंगे, और यहाँ पे ना एक और चीज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ये लगाना पड़ेगा, ये छोटा वाला जो बेसिन होता है ना मुंह हाथ धोने के लिए, तो वो छोटा वाला बेसिन भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो लगा देते हैं एक छोटा वाला बेसिन, कोई दिक्कत नहीं हमें। नहीं नहीं बाथरूम के लिए ना और कुछ चीज़ें वगैरह भी चाहिए, तो ये हाँ ये वाला $58 का, तो यही वाला सही है क्या? आई थिंक ये वाला कितने का, नहीं नहीं ये तो कुछ और ही चीज़ है, हाँ यही सही है, तो इसको ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और ये एकदम ब्लैक कलर का, ये आई थिंक सही है, तो इसको ही खरीदेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रोटेट करके ये लग जाना, तब तेरे को क्या दिक्कत आ गई है भाई? ओ भाई साहब यहाँ पे भी एक सेम कैसेट है, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि क्या कैसेट है। फिर से यहाँ पे ये जो सिंक के लिए जो सिस्टम है, वो भी मेरे को खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे लगेगा। तो आ जाओ, तो मैं पहले सिंक के लिए, सिंक ये सही इनके सिंक लगता है वहाँ, सिंक प्लम्बिंग सिस्टम मेरे को लगाना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये लगा दिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे को ये हटा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे। चलो ये घुमाया, उसके बाद इसको घुमाया, उसके बाद इसको घुमाया। चलो अभी नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, स्टोर में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा वाला सिंक, ये वाला सिंक लगा देता है। चलो कुछ इस तरीके से ये ईट असेंबल, इसको घुमाया, उसके बाद इसको घुमाया, उसके बाद ये लगाया इसको टाइट, उसके बाद ये स्क्रू, उसके बाद इसको, उसके बाद ये स्क्रू ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद इसको इसके अंदर ये वाला स्क्रू किया टाइट, उसके बाद ये एकदम रियल फिजिक्स वाला, मतलब
काम धाम चल रहा है, देख रहे हो एकदम रियल फिजिक्स। ये कॉल लगाया, उसके बाद ये नल लगाया, ये ऊपर का मतलब नीच का जो होता है उसको भी लगा दिया। ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ ठीक है चलो ये लगा दिया इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर, चलो अभी हो गया, देख रहे एकदम शानदार सा बना दिया हो ये वाला जो मतलब। और कुछ छोटा वाला छोटा बड़ा कुछ चीज़ें वगैरह हमें चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, बाथरूम के अंदर चला जाता हूँ, उसके बाद बाथरूम एक्सेसरीज में कुछ भी नहीं है ठीक है तो ना मैं, हाँ सबसे बड़ा जो ये है वही तो मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे तो लैंप लगाना पड़ेगा सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलूँ मैंने भूल गया था लैंप लगाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो है ये वाला काफ़ी सस्ता है तो सस्ता वाला ही ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एक यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है क्या? नहीं यहाँ पे लाइट लाइट का भी मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ, ये लगा दिया। चलो अभी इलेक्ट्रिक सिस्टम को मतलब तो इलेक्ट्रिक सिस्टम खरीदना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे गया मतलब यहाँ पे गया, उसके बाद इंस्टॉलेशन, नहीं इंस्टॉलेशन के लिए ना ये वाला काफी सस्ता है तो इसको ही परचेस कर लेता हूँ, ये सही है आई थिंक, ये वाला काफी सही लग रहा है ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा देता है। चलो ई टू टर्न लाइट ऑन, चलो अभी देखो क्या लग रहा है भाई साहब, देख रहे हो भाई काफी सही लग रहा है, ये बाथरूम का काफी सही कर दिया हूँ मैं, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे ये वाला बाथरूम, एकदम 5 स्टार होटल की तरफ कर दिया हूँ। यहाँ पे शावर की पोजीशन, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे अंदर होता है इसको, उसके बाद यहाँ पे मतलब बेसिन लगा दिया हूँ, एकदम चमक धमक दिया हूँ। और एक काम करते हो, और वो जो टॉवल रखने के लिए जो होता है ना उसको भी एक खरीद लेते हो ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं टॉवल के लिए यहाँ पे टॉवल किधर मिलेगा, टॉवल 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 टॉवल, हाँ नहीं नहीं ये नहीं, टॉवल TOW टॉवल TOW आई थिंक ना, कुछ तो गड़बड़ी लग रहा है, मोमेंट वेल टॉवल रेडेड, ये क्या है, नहीं नहीं ये नहीं है, तो जो भी हो छोड़ो इसको छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ये घर हम बाद में भेज देंगे, छोड़ो इसको छोड़ो। तो हो गया हमारा ये वाला जो बाथरूम, बाथरूम को कर दिया हो साफ सुथरा एकदम ओपी तरीके से कर दिया हो, और तुम लोग भी कमेंट करके बोल सकते हो कि ये वाला मतलब ये वाला चेंज कैसा लगा तुम लोगों को, और बाकी मिलते हैं इसका खूब जल्दी लेके आऊंगा पार्ट 2। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है उसके लिए सॉरी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में खूब जल्दी उसके, तब तक के लिए सबको टाटा एंड गुड बाय।